हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो आज हमारे घर में 11वां दिन है और 11वें दिन होते हैं शुद्ध। शुद्ध के दिन कपड़े वगैरह सारे, जैसा आपको पता ही है, कपड़े वगैरह सारे धुलते हैं। तो आज ना मुझे कवर, बेडशीट, मतलब सभी कुछ, पर्दे वगैरह रात को ही निकलवा दिए थे मैंने, वो धुलने हैं। तो मैंने कहा चलो गद्दी वगैरह आज ना मैं धूप में रख देती हूँ, धूप अच्छी आ रखी है। और तो ये सब मैंने निकाल के धूप में रख दिए थे और ये सब धुलने हैं मुझे आज। और आज के दिन हमारा तेल भी खुलता है और हल्दी भी खुलती है, और जैसे पिठाई वगैरह जो लगती सब, मतलब आज के दिन खुल जाता है। बस 13वीं के दिन से ये होता है कि हवन वगैरह होके पूजा होती है, तो वही सब। तो मैंने कहा चलो नियम हम भी फॉलो करते हैं, और इसीलिए मैंने इतने दिन से ये धुले नहीं थे, तो मैंने कहा चलो आज इन्हें धुलती हूँ। तो बस निकाल दिए हैं सब मैंने। और जैसे ये है ना, ये फर वाले कवर होते हैं, तो इनको ना जैसे मतलब तह लगाऊंगी, उल्टा उल्टा करके वो धुलूंगी इन्हें, नहीं तो ना इनके सारे फर निकल जाते हैं, तो इन्हें उल्टा करके धुलूंगी। तो सारे कपड़े ले गई हूँ बाहर, पर्दे तो मैंने रात को ही निकलवा दिए थे इनसे, ताकि ये है कि सुबह कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चेयर वगैरह बाहर रख रही हूँ, क्योंकि चेयर में ही रखूँगी सारे गद्दी वगैरह, जो भी कुशन वगैरह ले जाऊँगे सब उन पर ही रखूँगी। और धूप अच्छी आ रही है जैसे आप देख ही रहे हो, तो बस वो उन पे भी धूप लग जाएगी थोड़ा ना, वैसे हवा लग जाएगी, धूप लग जाएगी। मतलब वैसे गद्दे वगैरह भी मन कर रहा था डालने का, बट इतनी हिम्मत नहीं थी इतना सारा काम फैला के, क्योंकि काम बहुत फैल रखा है। कपड़े भी बहुत सारे हो रखे हैं धुलने के लिए, जैसे आप देख ही रहे हो बहुत सारे कपड़े हैं। तो फिर ये मैंने रख दिए हैं धूप में, चलो कभी ये सूख जाएंगे, कभी कुछ सूख जाएंगे। और अभी तो बरसात तो हुई नहीं है, वैसे भी अभी तो बरसात होना स्टार्ट है, तो ये सब मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद लगा दूंगी मशीन, मशीन में एक एक करके सारे कपड़े धुलूंगी। तो बस सोफ़े के कवर वगैरह निकाल दूंगी और मशीन में पहले धुलूंगी बेडशीट, क्योंकि वाइट कलर की है, तो पहले वाइट कलर की बेडशीट धुलूंगी, उसके बाद पर्दे धुलूंगी, फिर उसके बाद धुलूंगी सोफ़े के कवर, सब अलग अलग करके धुलूंगी। और फिर अपने डेली यूज़ के कपड़े तो हैं ही, तो आज बड़ी मतलब रेल बन गई थी समझ लो, इतना काम हो गया था कपड़े धुलने का ही, बहुत काम हो गया था। तो बस यहाँ पे डाल दूँगी, बेडशीट वाइट कलर की है ना, तो इससे पहले डाल दो। और वैसे है तो वाइट कलर की, लेकिन साफ़ भी ना एकदम से हो जाती है अच्छा सा सर्फ़ डाल के, और तो साफ़ भी एकदम हो जाती है, कॉटन की है ना, प्योर कॉटन की, तो इस वजह से। और यहाँ पे हम लाए थे नया झाड़ू, तो इस नए झाड़ू को यूज़ करने से पहले मैंने कंघी ले रखी है, और वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ ये ट्राई ना, तो ये मैंने निकाल रही हूँ इसके, और बहुत सारे निकल गए थे। और झाड़ू लगाने में फिर ना कोई दिक्कत नहीं हुई, जैसे आप देख ही रहोगे निकलते ये नए झाड़ू से, आपको पता ही है ये सब निकलता है। तो पहले तो मैंने ये सुलटे करके निकाले, और फिर उसके बाद मैंने ये उल्टा कर दिए थे कंघा, और दबा दबा के निकाले, तो देखो कितना सारा निकल रहा है ना, तो वही है। और अब ये है कि झाड़ू में परेशानी करेंगे, नहीं तो झाड़ू लगाओ कूड़ा तो हो गई, इसका कूड़ा सबसे ज़्यादा हो जाता था, फिर पोछा लगाते समय ये निकल रहा था, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और प्रेस से भी निकालते हैं बहुत सारा, एक दूसरा तरीका भी कि प्रेस करके भी निकालते हैं, लेकिन इससे भी बहुत अच्छा निकल गया था। तो मैंने ये कॉमना उल्टी कर दी है और उल्टा करके दबा दबा के निकाली, तो ये देखो बहुत अच्छे से निकल, काफ़ी निकल गया था ये देखो। तो इसके बाद मैंने फिर ये इसको उठाया, इसको अलग फेंका, उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाए।
झाड़ू लगाने के बाद बारी आती है पोछे की, तो लाइजोल डाल रही हूँ। लाइजोल की खुशबू भी अच्छी आती है और वो मतलब थोड़ा वो ऐसा हो जाता है सर्फ़ जैसा हो जाता है पानी में, झाग भी हो जाता है इसका, तो पोछे से जो भी दाग वगैरह होंगे साफ निकल जाते हैं। तो लगा लेती हूँ कभी कभार, ज़्यादा तो नहीं लगाती मैं क्योंकि इससे ना फिर फर्श भी दाग वो काला हो जाता है पता है, अगर ज़्यादा इनसे लगाओ तो। ये कभी सर्फ डाल देती हूँ, कभी कुछ डाल देती हूँ, तो ऐसी करके लगाती हूँ। तो बस अब लगा लूँगी पोछा अंदर बाहर पूरा। तो यहाँ पे पोछा वगैरह लग गया है और नहा भी गई हूँ, और यहाँ पे कपड़े कपड़े धुल के सूख भी गए हैं, मतलब अब ये सूख गए हैं ना। तो ये पर्दे डाले थे सबसे पहले मैंने, तो पर्दे हटा दूँगी और अब ना अपने जो और कपड़े धुले हुए हैं वो डाल लूँगी, क्योंकि बेडशीट भी सूख गई है, पर्दे भी सूख गए हैं। अब ये डालूँगी सोफ़े के कवर, क्योंकि यही डाल यही सुखाने हैं, फिर इसके बाद मुझे यही बिछाने हैं। ये सब करने के बाद फिर मैंने जैसे कहा था ना, हमारा सिंदूर वगैरह भी आज ही खुल जाता है। तो सिंदूर वैसे मैंने लगाया है, ऐसा नहीं कि मैंने लगाया नहीं है, वैसे हमारे यहाँ लगाते नहीं है मतलब ना इसमें, लेकिन मैंने भी तभी लगाया जैसे हम बाहर गए हैं, जैसे एक दिन ससुराल गई थी और एक दिन मार्केट गई थी, तो तभी मैंने यूज़ किया था। बट ये किया था मैंने यूज़, ऐसा नहीं कि नहीं किया था। तो बस यहाँ पर अभी ये बेडशीट वगैरह भी बिछा दूँगी और फिर उसके बाद कवर वगैरह बिछाती हूँ। तो बस यहाँ पे कवर वगैरह भी सूख, क्योंकि धूप ही इतनी ज़्यादा है, खूब सारी धूप है ना, तो सूख गए थे ये जल्दी से, ऐसा नहीं था कि टाइम लगा इन्हें सूखने में। तो मैंने कहा चलो इन्हें बिछा देती हूँ। वैसे ये ना अच्छे वाइट वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उनसे खिलता है रूम। बस ये है कि ये गंदे नहीं होते, गंदे होते होंगे मतलब ये थोड़ा हिलते भी नहीं हैं, तो मैंने यही बिछा दिए। और ठीक है बरसात में ये ना, तो बस ये गद्दियाँ भी ले आई हूँ बाहर से और अब इन्हें भी रख दूँगी इनकी जगह पर। तो बस ऐसे ही काम चलता है, तो सारा काम धुल धाल के। और ये पर्दे रहते हैं, पर्दे तो भाई यही लगाएंगे जब ये आएंगे शाम को, पर्दे तो मुझसे लगेंगे नहीं, पर जो मेरा हाथ का काम है वो मैंने सारा कर दिया है, बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी है, सोफ़े के कवर, और आज मैंने गद्दियाँ गद्दी के कवर भी चेंज कर दिए। वो वाले गद्दी के कवर ना वैसे भी सारे फट गए हैं, तो आज मैंने ये लगा दिए हैं। तो चलो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट सब्सक्राइब, बाय।